तेरे से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से और भी एक सुंदर दिन, प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको एकत्रित किया और भी हमें प्रभु में बैठने का मौका दिया। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु जरूर हमको और भी बढ़ने के लिए कुछ देता है। बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है ना। तो पिछले दिन में हमने वही बात को मानव प्रार्थना का विषय में, हमेशा हमारा प्रार्थना विषय क्या है, हमारे आत्मीय जीवन का उन्नति। हमारे एक लोग आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहिए, उसका हमने प्रेरित पौलुस का वो प्रार्थना हमने देखा था, फिलिपियों का पत्रिका, आपको सबको याद होगा वो पहला अध्याय 9-11 वचन। देखो बहुत बड़ी बात है, हमने देखा कि इसमें हमने चार विषय को देख रहा था, उसमें हमने जो पहला विषय प्रेम में बढ़ते जाओ है ना, प्रेम में बढ़ते जाओ वो बात का हमने मतलब दो क्लास में देखा। अभी आपको मालूम है हमारा प्रेम का एक छोटा परिचय आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि बढ़ता है कि नहीं है ना, प्रेम में बढ़ रहा है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, परिचय है ना। एक बच्चे का बढ़ोतरी कब होता, परीक्षा आया इतना काफी नहीं, परीक्षा को पार करना है ना। एक बच्चे को पूछा आप कौन सा स्टैंडर्ड में, मैं मानो 7 क्लास में। हाँ, एक साल के बाद में पूछा आप कौन सा क्लास में, मैं 7 क्लास में। 2 साल के बाद में पूछा आप कौन सा क्लास में, 7 क्लास में। 4-5 साल वो अगर 7 क्लास में ही बैठा है, फिर बाद में मन बड़ा कि मानो 5 साल के बाद में वो 6 क्लास में गया। कहा गया 6 क्लास में गया, क्या वो बढ़ोतरी है? नहीं नहीं नहीं, वो बढ़ोतरी नहीं। ऐसे लोगों के प्रति अपने घर के लोगों को भी कितना दुख रहेगा, दुख रहेगा कि नहीं। हाँ प्रियो, आप लोग एक बात को जानना, हमारा मसीह तुम्हें बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं है, बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी बात है। हर एक लोग मैं मसीह में बैठता हूं ये बात को सबूत करके जीना चाहिए। अभी उसमें हमने पहली बार देखा प्रेम का बढ़ोतरी, अगर मालूम है प्रेम का बढ़ोतरी के बीच में भी धोखा हो सकता है, कुछ ऐसे कुछ बात हमारे बीच में आ सकता है, प्रभु हमारा बीच में ऐसे कोई बात आ गया तो फिर परीक्षा तगड़ा परीक्षा रहेगा। उसके एकदम एक एग्जाम्पल है अब्राहम के जीवन में अब्राहम को प्रभु में इतना प्रेम भी था विश्वास भी था, लेकिन बीच में मतलब थोड़ा प्रेम थोड़ा घटने लगा। प्रेम पूरा प्रभु को जो देना चाहिए वो प्रेम इसरा की ओर बहनने लगा। पहले प्रभु के साथ बहुत टाइम था, अभी टाइम पूरा इसरा के साथ है, तो वहां पर प्रभु वो बात को सही नहीं पाया। देखो सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रभु कभी भी हम प्रभु को पूरा दिल से अगर प्यार नहीं करता प्रभु सह नहीं सकता। हमें प्रभु को कैसे प्यार करना है, पूर्ण दिल से पूर्ण मन से, वो प्यार कहीं भी पकने नहीं देगा एक अपने भक्त के लिए, भक्त का जीवन में ऐसे बात। इसलिए प्रभु ने देखा अभी जो मेरे साथ का प्रेम अभी अब्राहम के जीवन में नहीं है, इसलिए क्लियर अब्राहम को बोला अब्राहम अभी वो जो तुम्हारा प्रेम जो बह रहा है ना उसको खत्म करो, तेरा प्रेम मेरे से ही होना चाहिए। आप देखो बहुत बड़ा एक हल्का बात नहीं प्रियो हमारे जीवन में। वहां पर एक शब्द खास करके इस्तेमाल किया प्रभु ने मतलब वचन में मतलब उत्पत्ति किताब उसका मतलब 22 अध्याय का 2 वचन। देखा जिससे तो प्रेम देखता है, जिससे तो प्रेम देखता है। देखिए ये भी एक बड़ी बड़ी बात है प्रियो, मतलब अभी प्रभु का प्रेम अभी अब्राहम के जीवन में घटी हो गया क्योंकि प्रभु ने वो गवाही दिया। अभी तेरा प्रेम कहां पर है, इसका तुम्हें है। देखा इसलिए
जो मैं पहाड़ बजाऊंगा उस मौर्य पहाड़ में ले जाके मेरे लिए उसको होमिली करो, उसको खत्म करो, नहीं तो फिर मतलब तुम मेरा मित्र बन करके नहीं रह सकता ना। वो मित्रता का बात में वादा आएगा, मित्रता का बात में वादा आएगा, शिष्यत्व का बात में वादा आने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि चेलों को ही मसीह कहता है। तो मैं एक सच्चा शिष्य है कि नहीं, ये बात को जरूर देखना। आपको मालूम है एक शिष्यत्व का कोई भी आपको सबको मालूम वाम ब्रेवी, ये प्रेम की बात है ना, लूका उसका 24 अध्याय उसका 26 और 27 वचन देखो। हाँ पढ़िए पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, लूका 14 अध्याय का 26-27, मैंने शायद चैप्टर कर तो बना होगा, मतलब लूका 14 उसका 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए अभी बहुत बड़ा बात है ना, अपने जीवन में हमें सबसे बढ़कर किसे प्रेम करना, प्रभु से। देखा अपना कोई भी माँ बाप से, भाई बहन से, पत्नी से, बच्चे से सबसे बढ़कर प्रेम, और अपने से बढ़कर प्रेम। कई लोगों को प्रभु से बढ़कर के अपने से रहता है, उसे भी बढ़कर प्रेम हमें प्रभु को देना प्रेम है ना, तभी वो एक सच्चा चेहरा बन सकता है। और इतना ही नहीं, तीसरा एक क्वालिफिकेशन उसका 33 वचन में लिखा है, बहुत गहरा बात है ना भैया, बोलने का मतलब प्रभु के खातिर हमें सब कुछ त्यागना पड़ेगा तो अपन उसके लिए भी तैयार रहना है, है? बहुत बड़ा बात है, हमें अपने जीवन में ये बात को परखना है, है? मेरे लिए कौन सी बात बड़ा है, मेरा प्रभु मेरे लिए बड़ा है क्या। प्रियो रोज हमें प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाना, आज कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु का प्रेम में ना बढ़ने के कारण क्या होता, आत्मीय जीवन में गिरावट आ जाता, इसलिए वो हमेशा आनंदित नहीं रह पाता। आपको ये दुनिया का धन दौलत आपको सच में आनंदित नहीं रहे, काम करने वाले कितने लोग परेशान है ना, कितना तकलीफ में गुजरता है। देखो एक अच्छा नौकरी या कोई धन दौलत मतलब शायद ज्यादा टेंशन देता लोग है ना, मतलब ठीक है दुनिया की रीति में देखेगा तो वो बहुत अच्छा काम करता है और अच्छा तनखा मिलता है, मतलब अच्छा अच्छा पोजीशन में है, परंतु वो लोग आनंदित नहीं। देखो लेकिन वचन कहता है प्रभु का जन हमेशा आनंदित रहना है, मतलब हमारा आनंद का आधार ये दुनिया प्रभु है। वाम रोहे एक शब्द आपको मालूम है, फिलिपियों 4:4 क्या बोलता है, प्रभु में सदा आनंद। प्रियो हमारी अवस्था हमारा आनंद नहीं लूटना चाहिए, हमारा अवस्था हमारा आनंद नहीं लूटना चाहिए। अगर आप सोचो आपका यात्रा जा रहा है, आपके पास 5,000 रुपया था पॉकेट में, किसी ने पॉकेट मार दिया क्या होगा, बहुत आनंद के साथ जा रहा था लेकिन मालूम अभी अचानक देखा पॉकेट में पैसे नहीं, क्या होगा, क्या होगा, आनंद चला जाएगा ना, इसको आपका आनंद कहां पर था, पैसे में था, सही बात है। लेकिन वजन कहता है तुझे प्रभु में सदा, वो वजन वापस लेकर पढ़ना, देखा प्रभु में सदा। प्रियो वास्तव में ये कब होगा मन में, आप सच में अगर प्रेम में बढ़ रहा है तो ये अनुभव है, ये आप अनुभव कर पाएगा। ये बात बहुत हम लोग ध्यान से समझना पड़ेगा है ना। आज हमारे जीवन में हम किस बात के लिए, आज भी बहुत से मसीह लोग एक सच्चा मसीह बनकर के नहीं जीवन बिताता, या उसको चेला बनकर जीवन बिताने का एक्चुअली इसलिए ना, मंडली बहुत वीक है, कमजोर है। क्यों कमजोर है, क्योंकि मंडली माना कैसे बनना चाहिए इसे नहीं बनाता, मंडली कैसे बनाना,
मंडली चेलों की चेलों से बनाना है, मतलब चेला बना करके बनाना। प्रभु ने मतलब जब अपने चेलों को भेजा तो क्या बोला था, चेले बनाओ। हाँ सुसमाचार सुना कर उनको चेले बनाओ। लेकिन आज क्या है, आज ये चेले नहीं बनाता है। तुम विश्वास किया तो बहुत हो गया, चलो हो गया, ऐसा बोल करके डुबकी देता, लेकिन चेला बनने का उपदेश नहीं देता। एक चेला बनकर के जीवन बिताने का अर्थ क्या है वो नहीं समझाता। हमें मतलब मंडली हवा में उड़ने वाले नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभु में जो बांध का प्रभु का पवित्र लोग हर एक लोग ये बात को थोड़ा गहराई से समझो। हम लोग मसीह में जो भी बांध काम करता है स्वर्ग के सामने उसका इनाम मिलना है, तो हमारे जीवन में प्रभु ने जैसा बताया वैसा होना चाहिए। आज शायद लोगों को दिखावा के लिए भी मैं कुछ करूं करके एक विचार भी हमारे दिल में आएगा तो गया हो क्योंकि भूसा हो गया हो, वो लकड़ी घास भूसा हो गया। आपको सबको मालूम है यीशु मसीह में जो बांध काम करता है वो बिल्कुल वजन के आधार में होना चाहिए। अपन इसलिए हर एक लोगों को पूछता है, उधार पाया वाले लोगों को भी पूछता है उधार पाया क्या, मतलब ये उपदेष्टा भी मिल गया तो मैं आपको बोलता हूँ उनको भी पूछो आपने उधार पाया क्या, कब पाया, कैसे पाया, इतना तो जानो। क्योंकि कई लोगों का उधार सही प्रकार उन्होंने उधार नहीं पाया तो फिर क्या होगा, वो सही प्रकार बढ़ भी नहीं सकता, आत्मी जीवन में बढ़ नहीं सकता। देखो इसीलिए अपने को बरकरार है। अभी हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात अभी आपको मालूम है, इधर बैठने वाला बहुत बात बाइबल में है, उसमें से एक बात हम देख रहा था। मैं कुछ बातों में ऐसे ही मतलब आपका ध्यान के लिए मैं बोल देता हूँ, कुछ कुछ बातों के लिए बैठना चाहिए, रोज बैठना चाहिए, क्योंकि क्या है वो सारे बातों पर ध्यान करने के लिए जाएगा तो दूसरे पॉइंट पर हम नहीं जा पाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में क्योंकि आप लोग ध्यान कर सकते हैं ना। हमें किन किन बातों में बढ़ना चाहिए, उद्धार में बढ़ना चाहिए, क्या चाहिए उद्धार में, वो वजन में आपको बताता हूं तो कि आप लोग मानो ध्यान करेगा तो भी आपको समझेगा ना। पहला पत्रों दूसरा अध्याय का दूसरा वजन पढ़ना है, पढ़ना थोड़ा, पहला पत्रों दूसरा अध्याय का दूसरा वजन, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारे जीवन में उधार पाने के लिए बढ़ते जाना, ये रोज होना है हमारे जीवन में। ये कौन सा उधार है, हाँ प्राण का, देही का, आप सबको मालूम है। इसलिए मतलब रोज हमारा प्राण का उधार कहां तक हो रहा है ये बात को जानना, क्योंकि मतलब बहुत बार जाने अनजाने मतलब हमारा प्राण मतलब बहुत अतिला स्वभाव का है, तो इसलिए हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए बहुत मतलब दिक्कत बढ़ जाता है। इसलिए हमारा प्राण का उदार, हमें प्राण को अप्रिय जान करके प्रभु के लिए जीवन बिताना, इसलिए रोज क्या लेना, सूली लेना। सूली लेने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया, अपना प्राण को अप्रिय जाना। देखो उसका देखो प्रभु ने हरेक बातों का सही प्रकार का नियम बताया है, पर तो वो नियमों में नहीं रहता, हम लोग अपनी बुद्धि का सहारे में चलता। इसलिए रोज प्रयोग हमारे लिए जो प्रभु वजन भेजता है वो वजन को जरूर हमें स्वीकारना है ना। जो हमको पसंद आएगा वो वजन ले रहेगा, बाकी वजन जो को छोड़ देगा, ऐसे नहीं है ना। प्रभु ने जो भी अभी अब्राहम को अपना प्यार करने वाला बेटा देने के लिए बोला तो कोई छोटी बात है क्या, छोटी बात नहीं, बहुत महंगी बात है, लेकिन प्रभु ने उनकी उन्नति के लिए बोला। इसलिए क्या हुआ, मतलब अब्राहम के द्वारा सारा संसार आशीष पाया। देखा भक्त के जीवन में आने वाला कोई भी प्रकार का शोधना वो मतलब हमारा भी आशीष है और सारी दुनिया का भी आशीष है, बहुत लोगों के लिए आशीष की बात है। इसलिए आज हमारा उद्धार में पिछले दिनों से बढ़कर के मेरा उद्धार में मैं बैठ रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, देखो आज आपको मालूम है जब भी अपने बच्चे को कभी भी स्कूल में डालना होता है, कई बार बताया हुआ बात है, हमारा घर के पास में एक स्कूल है, मतलब मराठी स्कूल है, मतलब 10-12% पास होता है साल में, 10-12% पास होता है, और थोड़ा सा दूर में और स्कूल है, मतलब वो भी मतलब मराठी है, नहीं तो उसमें थोड़ा हिंदी मराठी इंग्लिश सब मिला हुआ है, लेकिन मतलब 20% पास होता है। लेकिन दूर एक स्कूल है,
अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है 100% पास होता है, 100% पास होता है, अपने बच्चे को कहां डालेगा है? ये तो सब लोग बोलते हैं, अरे खर्चा भी ज्यादा, इधर सब सस्ता है, इधर सस्ता है रिजल्ट भी सस्ता, इधर सब सस्ता है, फीस कम, दूरी कम, सब सस्ता है, तो भी हम लोग अपना बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए क्या चाहेगा? अच्छा स्कूल, अच्छा स्कूल। प्रियो आज आप भी अब कोई बीमार हो गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल टीचर है, उधर कोई नहीं जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा ट्रीटमेंट, ठीक है, जहां अमर भी जाओ अच्छा पर ढूंढता है, अगला पॉइंट हो ये तो हर तो हम आत्मिक बात हो अमर अच्छा नहीं देखा है, सही उपदेश का अमर है ना, मतलब सच्चा शिक्षण का अमर है, वो बातों का गौरव नहीं देखता, अपने अपने सुविधा के अनुसार बात को बदल देता है। प्रियो कितना बड़ा धोखा है, स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है, हमारे जीवन में हम वास्तव में हम प्रभु को से क्या प्यार करते हैं, तो हमारे उद्धार में रोज बढ़ने वाला अनुभव है क्या? हमने कल भी वचन सुना, हमारा थोड़ा भी एक एक्शन भी हम ले पाया क्या है? एक एक्शन भी हम ले पाया क्या? चलो इतना बच्चा लोगों ने इतना किया तो चलो मैं भी एक प्रोत्साहन बन जाता हूं, किसका दिल में मतलब अच्छा निर्णय आया, वही तो बात है ना, प्रोत्साहन है बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं ये आत्मीय जीवन का मतलब परिपक्वता को बताता है, हम बैठते जा रहे हैं उस बात का एक चिन्ह है, हमें रोज हमारा बढ़ोतरी कहा उद्धार में, उद्धार पाया हुआ हम लोग रोज उद्धार में बैठना चाहिए, रोज उधार में, इसलिए संगति दिया है, संगति में आया हमारे उधार में बढ़ोतरी नहीं हुआ तो प्रभु को कितना दुख होगा। और एक बढ़ोतरी मैं आपको बताऊं कि मानव इब्रानियों का पत्र उसका 6 अध्याय एक दो वचन, इब्रानियों उसका 6 अध्याय एक दो वचन, देखा मसीह की शिक्षा की आरंभ, अभी देखो हमारा आजकल जो भी जो क्लास चल रहा ना ये शुरुआत का क्लास नहीं, ये अभी शुरुआत का क्लास नहीं, तो आरंभ की शिक्षा को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ना, देखो क्योंकि प्रारंभिक शिक्षणों को बार बार बताते रहने से क्या फायदा है, वो नेचरी क्लास का बातें नहीं चाहिए ना। आजकल हमको जो भी बताया जा रहा है ये थोड़ा सा उन्नति पाने वाली बात है, बढ़ने के बाद बढ़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ना, नर्सरी की बच्चों को जैसे बताते रहता है वैसे बताते रहेगा तो फिर बढ़ोतरी कैसे होगा? तो प्रारंभिक वामरो बात लिखा है, क्या क्या प्रारंभिक शिक्षण देखिए, परमेश्वर और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे होके जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। मतलब ये सब एक प्रारंभिक, ये तो सब उधार का समय में ही हमने सुना, इसके बाद में भी कितनी बार ये बात सुना, लेकिन अभी हम लोग गहराई की ओर जाना, अभी हमारा बढ़ोतरी समय के अनुसार बढ़ोतरी मेरा जीवन में हो रहा है कि नहीं, और मैं उन बातों को समझ पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। अभी कई लोग थोड़ा गहरी बात बताएगा तो जैसे कुरिंथ मंडली इब्राय मंडली वो लोग हमारा इतना गहरी बातों को उनको समझना बहुत कठिन था, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है नासिक मंडली है ना, एकदम अधिकतर लोग जो है वो समझ में आता है, उनको समझ में आता है। अभी उनको भजन गाता है कि तुम्हें बैठते जाना है, काम पर बैठते जाना, मतलब उस पहले शब्द वापस होकर पढ़ा सर, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़, आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाए, सिद्धता की ओर बढ़ना। प्रियो उसी ने जो गहरी गहरी बात बताया उन बातों की ओर बढ़ना, सिद्धता की ओर बढ़ना। एक और वचन पढ़ना उसको और समझने के लिए, कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ, कोलोसियों उसका पहला अध्याय 10 वचन का भी पाठ, देखा प्रभु का पहचान में बढ़ते जाओ, देखा प्रभु का उस ज्ञान में बढ़ने का अर्थ प्रभु का पहचान में बैठते जाओ। अभी मतलब जब 6 लोगों को प्रभु ने जेल के उस पार जाने के लिए भेजा
पति 14 अध्याय में है। लेकिन ये लोग गया, आंधी तूफान आया, ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए रुकावट आया, चारों पार में यीशु मसीह पानी के ऊपर चल करके आया। यीशु मसीह को देख करके चेले लोगों ने क्या बोला? भूत देखा। उन लोगों ने प्रभु को नहीं पहचाना। यीशु मसीह को देखकर बोलते हैं भूत है, बोलते हैं। हाँ देखो क्या पहचान है, देखो 3.5 साल साथ में रहने वाला चेले लोगों को यही कहना है। अब देखो कितना मन प्रतिकूल अवस्थाओं में कुछ ऐसे कुछ बात आएगा तो लोग कितना घबरा जाता। प्रियो प्रभु की पहचान में बैठते जाना है ना, प्रभु की उस इच्छन में बैठते जाना। ये रोज हमारे जीवन में मैं कहां तक ना, कई लोग बोलते हैं कि आज का क्लास कुछ भी इतना समझ में नहीं आया। देखो क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ। बढ़ना है प्रियो है ना। और एक बात में मिटना है, जब प्रेषित पत्रोस कहता है, हम लोग बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है, 2 पत्रोस 3:18 देखा। अनुग्रह में भी पहचान में भी बढ़ते जाना। पहचान मीन्स वही ज्ञान जो अभी आपने ये बोला, वो ज्ञान की बात है। प्रभु के ज्ञान में बढ़ना और अनुग्रह में बढ़ना है ना। और उसका बारे में जब बताने के समय में दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 12 वचन मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जाओ। देखा, बैठते जाओ और बलवंत होते जाओ। ये बहुत सुंदर बात है ना, बढ़ने के अनुसार बल भी बढ़ेगा। हमें बैठते जाना है प्रियो, प्रभु के अनुग्रह में हमें बैठते जाना और बल भी पाना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का लोगों में प्रभु चाहने वाला बात है। हमारे जीवन में किस प्रकार हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, ये बात को हमें जानना है। जैसे जैसे बढ़ोतरी होगा तो मानव वो व्यक्ति प्रभु के लिए उपयोगी बनेगा, समझदार बन जाता। एक बच्चा घर में टीचर को बढ़ोतरी होता है तो फिर मम्मी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ मैं ये तो सोचता कि हमारे अनुग्रह को देखो ना, अर्पण को है। वो घर में जाता है ना, वो खुद ग्लास धो करके पानी लेकर देता है। मैं तो बहुत हैरान हो गया, वो बच्चे को कौन बोला? उसको मम्मी ने भी नहीं बोला, मम्मी ने सिखाया होगा वो पता लगे। लेकिन उनका घर में जाएगा तो मैं बहुत बार इतना मेरे को दिल में इतना मतलब ये हुआ। और वो जब लेकर आता है तो मैं बहुत पीता नहीं मैम, क्योंकि उसका लाया इसलिए पीता है। ऐसा मतलब अभी मनु लाता है, लेकिन मनु तो उनके अनुसार देखेगा तो कितना बड़ा है। मैं बोले कर तो वो बेचा, वो एक समझदार के साथ काम करता। देखा, अभी हम प्रभु में बढ़ेगा तो मतलब वो समझदारी से काम करेगा, समझदारी से काम करेगा। मंडली में जो लोग प्रभु में बढ़ गया तो आप लोग थोड़ा 5 मिनट पहले आना और इधर भी थोड़ा प्रार्थना करना। आप लोग प्रार्थना मेरे लिए करता ही है, इसलिए तो मैं खड़ा होकर प्रचार कर पाता है। लेकिन इधर भी आकर के प्रार्थना करने से क्या होता, और भी आशीष मिलता। बहुत बड़ी बात है। ये कौन करेगा? समझदार लोग करेगा, समझदार लोग। उनको फिर बाद में ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। और प्रार्थना जितना अधिक करेगा उतना आशीष ज्यादा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये बहुत गहरी बात है। अपने जीवन में हम जो भी करता है स्वर्ग देखते रहता है, स्वर्ग वो बातों को सबको तोलता है। हम किस दिल से ये काम करता है, हमें बढ़ना है। तो बढ़ने वाला व्यक्ति का एक प्रकार का चिन्ह रूप में हम देख सकता है जब पहला कुरिन्थी 15:58 पहला कुरिन्थी 15:58 देखा, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये जानते हैं समझदार लोग, ये जानता है बढ़ गया तो वो व्यक्ति ये जानता है। देखा, प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रियो कितना आनंद की बात है, हमें प्रभु के काम में पिछले दिनों से बढ़ करके आज हमें प्रभु का काम करना है। प्रभु का काम हमें करना है, हम प्रभु का काम करने में आलसी ना हो। चिट्ठी को देखो, चिट्ठी मतलब धूप के समय में बारिश के समय के लिए भोजन तैयार करता है, इकट्ठा करता है। छुट्टी में उनको कोई टीचर नहीं, राजा नहीं, लेकिन वो देखो समझदारी के साथ काम करता है। कितनी बड़ी बात है।
और अभी हमको इतना बुद्धि दिमाग सब दिया है, फिर भी उसको सही रीति में इस्तेमाल नहीं करता। अभी हमको सही प्रकार प्रभु का काम करने का समय है, प्रियो प्रभु का कार्य करने का समय है। अभी एक समय पार होने के बाद में अभी अपने जॉन सिस्टर को बोलो 10 फैक्ट बांट कर जाओ, कहा जाएगा वो तो मतलब अभी चलने के लिए उनको कितना दिक्कत किसना है। हमारे बीच में मतलब अपने एक एक दूसरे का अवस्था देख सकता है ना, अरे काम करने का एक समय है, समय है। प्रियो जवान लोगों में ज्यादा ये बताना चाहता हूँ, आप लोग मिला हुआ समय को बिल्कुल नष्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के काम करते जाओ, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, है ना, प्रभु का काम में बढ़ते जाओ, स्वर्ग बहुत आनंद हो जाएगा। हम किस रीति में प्रभु काम करता है उसका स्वर्ग में बहुत आदर मिलने वाला एक दिन आएगा। मैं पिछले दिनों से बैठ करके मैं प्रभु के काम में बैठते जा रहा है कि नहीं, हरेक बातों में हमें परखना है। आज बहुत लोग प्रभु का मान बातों में बहुत डटते जा रहे हैं, उनके आत्मीय जीवन इसलिए गिरते जा रहे हैं, उनको समझता नहीं, वो शायद बहुत बड़ा धोखा में गिर गया है। प्रियो हमें हमारा संभालना है, हमें बहुत ध्यान देना है, हमारे आत्मीय जीवन में कभी भी गिरावट ना हो, हमारे उत्साह कभी भी कम ना हो, हमें और भी ज्यादा मतलब जोर दे करके प्रभु के काम में बैठते जाना है, प्रभु के काम में बैठते जाना है। इसका बड़ा प्रतिबल है, उसका बड़ा प्रतिबल है ना। इतना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न करने में हम उत्साही बनना चाहिए। पहला तसलोनिकियों उसका 4 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ना, पहला तसलोनिकियों उसका 4 अध्याय का पहला वचन। हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। देखा किस बात में बढ़ते जाना, प्रभु को प्रसन्न करने में बढ़ते जाना। सबका ध्यान है ना, सब लोग ध्यान से सुना ना, और एक बार पढ़ना। प्रभु को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। देखा प्रभु को प्रसन्न करने में और भी बढ़ते जाना प्रिय है। मैं हर पल प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताऊंगा, कितना अनोखी बात है ना। अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक दिल हमको चाहिए। मैं हर बात में मेरा प्रभु को मैं प्रसन्न करके जीऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु को प्रभु मेरे में प्रसन्न है कि नहीं, कैसे भी कुछ काम करके झूठा तसल्ली पाने से कुछ फायदा नहीं। प्रभु को मैं प्रसन्न कर पाता है कि नहीं, प्रभु की इच्छा मालूम करके उसमें बना रह करके मैं प्रभु को प्रसन्न कर पा रहा है कि नहीं, प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं। हर रोज का मन बात को हमें परखना है। प्रभु ने हमें अच्छा समझ दिया है ना, तुमने मैं समझ की आत्मा दिया है, लेकिन मैं कांत रोज प्रभु को प्रसन्न करने में बढ़ोतरी में मतलब कभी भी एक झूठा तसल्ली नहीं करना प्लीज। और जैसा अभी प्रेरित पौलुस गवाही देता ना फिलिप्पियों 3:12 में, मतलब मैं ये नहीं बोलता मैं पा चुका हूं, लेकिन मेरे लक्ष्य वही तो बात है। मतलब एक एक तसल्ली कहा लिया तो वहां राव का उत्साह बुझ गया। वहां पर वो शब्द पढ़ना मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। हाँ देखिए ऐसे कभी नहीं सोचना है। अभी मैं बहुत जानता हूं है, अभी मुझे कोई इतना मतलब सीखने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे इतना ज्यादा बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा कोई संगति में जाने की जरूरत नहीं। संगति में नहीं जाएगा तो भी चलेगा, घर में प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु सुनेगा, ये तो सब गिर गया उसका चिन्ह। देखा क्योंकि वो वजन के अनुसार नहीं, वजन से मतलब हम थोड़ा सा भूल जाता है ना, क्या बोलते उसको घमंडी हो जाना है ना। हाँ वो व्यक्ति को प्रभु सामना करता है, प्रभु उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। आज बहुत लोगों के जीवन में उनका संगति का द्वार भी बंद क्यों होता है मालूम है, कहीं ना कहीं घमंड अंदर घुस रहा है। घमंड आ गया तो आप समझ रहा प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए रुकावट बनकर के आगे खड़ा रहेगा।
अब नम्र रहेगा जकाई को, प्रभु ने जैसे उड़ाया ऐसा पेड़ पर चढ़ने के लिए भी प्रभु का एक आदर्श हाथ था, उधर कराने के लिए भी एक आदर्श हाथ था। ऐसा आप अगर थोड़ा भी किसी बात में प्रभु की उस मार्ग से अलग होकर के सोचने लगता है तो आप घमंडी बन करके गिरना शुरू हो जाता है। प्रभु मार्ग, कई लोगों को संगति में जाने की इच्छा रहता है लेकिन संगति का मार्ग प्रभु बंद कर देता है क्योंकि प्रभु ऑब्स्टिकलों पे खड़ा हो जाता है। मैंने पहला पत्रोस 5:5 में क्या पढ़ता हूं, पहला पत्रोस 5:5 वो ध्यान से सुन रहे ना, अनेक लोग ये वजन आने के समय में अपने आप, देखो मैं आपको बार बार बोलता रहा, हमारा ओरिजिनल अवस्था प्रभु दिखा रहा है क्योंकि ये प्रभु का आयना है, हम काम रहे हमारा अवस्था क्या है वो प्रभु दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, है? प्रियो, ये वजन बढ़ने के समय में अनेक लोगों के दिल में झटका लगता है, अरे यार मेरे जीवन में तो मेरे आत्मीय जीवन के दौड़ में मैं थोड़ा सा मतलब रुक जा रहा है, क्या बात है, क्यों, कहीं मैं कहीं घमंडी तो नहीं हुआ प्रभु का दृष्टि में, हमको हम अपने आपको नम्र बोलता ना, हाँ हम तो घमंडी नहीं, बहुत नम्र है, बहुत नम्र है, लेकिन प्रभु का दृष्टि में घमंडी है, प्रभु का दृष्टि में वो घमंडी है, तो घमंडी है तो क्या होगा, हाँ क्या बोलता, विरोध करता, हाँ देखा विरोध करता, बोले का मालूम अभी तुम आगे मत बढ़ो, अरे तुम नम्र बढ़ो फिर आगे बढ़ो, समझ में आया, प्रभु घमंडियों को विरोध करता है, प्रभु प्रभु कुश्ती करता है, प्रभु बोलते पीछे पीछे घमंडी है ना, घमंडी उतरने दो फिर आगे बढ़ो, क्या समझ गया, बहुत सीरियस बात है, बहुत लोग आत्मीय जीवन में प्रभु तक मार करके वो पीछे ही ले जा रहे हैं क्योंकि उनका गेमट उतरता ही नहीं, सही बात है ना, बड़ा दादागिरी किया हुआ लोग है ना, किसी को नहीं मानता था, बूढ़ा होने के बाद में डंडा लेकर चलता है, कोई भी मिलता है ना दूर से बोलता है प्रेस रो, क्योंकि कोई आकर के धक्का ना मारे, धक्का मार गया तो फिर उधर से उड़ेगा ही, डर है ना, मैंने कैसे जीवन बिताया उसका डर है, कोई आकर के कुछ तो ना करे, देखा नम्र बना, दिल से नहीं स्वभाव में नहीं डर के कारण, प्रियो मसीह में जीवन ऐसे नहीं, मसीह में हमें निमकने से नम्र बने ना, तब उसका दिमाग वापस आया, ये सब दृष्टांत बाइबल में बताया ना, प्रियो कितना बड़ी बात है, हमारे जीवन में हमको रोज रोज भले कामों में बैठते जाना, प्रभु को प्रसन्न करने में बैठते जाना, अनोक प्रभु के साथ चला सब साथ चला इतना नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया इसलिए प्रभु उसको उठा के लेकर गया, आज इस पीढ़ी में जो प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताएगा उनको उड़ा ले जाने के लिए प्रभु आने वाला है, हमारा अभी का कर्तव्य क्या है प्रियो, इस कुटिल पीढ़ी में भी अनोक भी एक कुटिल पीढ़ी में था, उस समय में सारे लोग अपने मार्ग बिगाड़ दिया था लेकिन अनोक प्रभु के साथ चला और प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु उसको लेकर गया, प्रभु अभी भी वही बात है, हमें अभी प्रभु के साथ चलना और प्रभु को प्रसन्न करना, आखिर और भी बढ़ने वाला एक दो बात बोलकर जल्दी खत्म करेगा, हमें मतलब इब्रानियों का पत्री 12:14 ये सब आपको सरल बात है फिर भी ना, हमारा आप पवित्र जीवन में उन्नति पाने का खोज में लगा रहना बढ़ना, क्योंकि उसके बिना प्रभु को कदा भी नहीं देखेगा, इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु आओ आओ बोलता है परंतु हमारे झगड़ा बढ़ते जा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है, एक दूसरे के साथ मेल नहीं दुश्मनी बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा सबके साथ मेल होना है, हर कोई भी किसी कारण हमसे दूर जाता है उनको प्यार से मिलकर के उनको प्रभु में मतलब मेल खा करके आगे बढ़ना, और ऐसे नहीं तो हमारा पवित्र जीवन में वादा आएगा, प्रभु को मिलने के लिए प्रभु को देखने के लिए वादा आएगा, ऐसे ना होने देना, तो बढ़ोतरी रोज हमें बढ़ना है। एक और बात बोल करके अपना सेकंड विषय में जाएगा, एफिसियों 4:15
एबीसी चार अध्याय का 15 जना देखा मसीह में बढ़ते जाए कांध के बढ़ना सिर तक बढ़ना कांध के बढ़ना सिर तक बढ़ना देखा बढ़ोतरी हम बढ़ते बढ़ते सिर तक बढ़ना मतलब हर एक चेलों को गुरु के जैसा होना काफी है गुरु के जैसा होना काफी है ना ओ मतलब काम लगा मती दस अध्याय का 24-25 वचन जल्दी पढ़िए उसको इसके साथ वो पढ़ना अच्छा है हाँ चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से चेले का गुरु के चेले के गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है देखा है कितना बड़ा बात है हमारे जीवन में रोज रोज हमें मसीह की सर तक में बैठ पा रहा है कि नहीं ये बात को पारित कर जाना ओके अभी मतलब प्रेरित पौलुस का मतलब फिलिपिया मंडली के लिए दूसरा प्रार्थना का विषय क्या था उसका पहला अध्याय का 10 वचन यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो उत्तम से उत्तम बात को प्रिय जानो देखा है बोलने का मतलब क्या है प्रियो आप सही बात और गलत बात को समझने में आप एक समझदार बने बहुत बड़ी बात है है ना मतलब आज हमारे जीवन में हम आत्मिक बातों को महत्व देता है या दुनिया की बात को महत्व देता है अपने आप को पूछो अभी कोई जवाब मत देना हमारे जीवन में हम उस आत्मा हमारे शरीर में हमारे में कितना भाग है तीन भाग है देखो आप लोगों सबको मालूम इसमें सबसे मूल्यवान भाग कौन सा है देखो सबको मालूम पर तुम आत्मा की बातों पर कितना समय देता है हम लोग कौन सी बात पर ज्यादा अपना मन लगाता है हमारा जीवन की समय ज्यादा किस बात के लिए हम लोग इस्तेमाल करता है ये बात को परखना भी है ना अभी यहां पर ये बात बहुत खास बात है हमको सही क्या है गलत क्या है ये जान करके सही मार्ग में चलना मानो हमारे दृष्टि में नहीं प्रभु के दृष्टि में प्रभु के दृष्टि में पामर एफेसियों के पत्र में ऐसे लिखा ना एफेसियों 5:9 एफेसियों 5:9 नहीं आप मानो प्रभु का कौन सा वचन है 10 है सॉरी 10 वचन है आपका 10 है और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है देखो प्रभु को क्या भाता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है बहुत बड़ी बात है देखो बोले का अर्थ हम प्रभु की इच्छा जान करके उसके अनुसार चलना अभी आपको मालूम है यहां पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मतलब यदि हम सही क्या है गलत क्या है उसको सही रीति में जान करके काम नहीं करेगा तो काम होने के बाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा है ना जब मतलब दाविद के बाद में सलमोन जब राजगदी में आया तो सलमोन उस समय में एकदम बालक था है ना तो अभी सलमोन प्रभु को प्रसन्न करने के समय में प्रभु उसको प्रकट हो गया प्रभु प्रकट होने के बाद में प्रभु ने उसको बोला देखो तुम जो भी चाहता है ओवर मांग तो सलमोन ने क्या मांगा आपको याद है ना पहले राजा उसका तीसरा अध्याय बहुत मतलब समझने वाला बात है हमें ये बात को समझना है प्रभु की इच्छा क्या है प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें मांग करना हमारा प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं ये जानना पढ़िए नहीं, एक मिनट और आप वापस एक बार उसका 7 बजे पढ़िएगा 7 बजे परंतु समझ
उन्हें अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा दिया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। मैं छोटा सा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता अभी 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 उसका नाम मुझे पता। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। भले बुरे को परख सकूं, मतलब मुझे भले बुरे का समझ नहीं अभी, लेकिन मुझे उस बात को समझने के लिए मुझको सामर्थ्य दे, मुझको ज्ञान दे। देखा ये बात क्या हुआ उसका 10 बजे? देखा प्रभु प्रसन्न हो गया, प्रभु प्रसन्न हो गया और प्रभु ने उसको जो मांगा उसे बढ़कर दिया। हमारा प्रभु क्या है? मांगने से बढ़कर देने वाला है। अभी एक बात, अभी ये देने के बाद में मानव टेस्ट होता है ना। अभी आप लोग ये बात सीख करके जाता है ना, आप लोग एक बात जानना, शायद तुरंत टेस्ट होगा, नहीं तो एक हफ्ते के बाद टेस्ट होगा। देखिए टेस्ट हो गया है, टेस्ट होने के टाइम पर घबराने नहीं। अभी प्रभु ने सलमोन को ये दिया, देने के बाद में तुरंत एक टेस्ट आया। वो टेस्ट क्या है मालूम है? बड़ा डेंजर टेस्ट है, है? उसका मानो 16 से पढ़िएगा। उस समय दो ईशाएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है, और इसके संग घर में रहते हुए मुझे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा करता मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। अभी देखिए वाद हो गया। अभी आपको सबको मालूम है राजा सलमोन प्रभु से परखने का ज्ञान पाया, अभी परखने का परीक्षा आया। अभी दो स्त्री बोलता है कि देखो अभी ये जिंदा बच्चा मेरा मरा हुआ उसका है, क्या करेगा बताओ? अभी आजकल का जैसा कोई डीएनए टेस्ट करने के लिए उस टाइम पर कोई बात ही नहीं है। तो अभी तुरंत सलमोन ने एक बात कहा, वो उसका 24। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को दो टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। बाप रे, ये बात होने के टाइम पर राज सदस्य, अभी कोई बात नहीं, कहीं छोटी बात नहीं है ना, राजा सदस्य बहुत बड़ा सदस्य है। लोग बोला होगा, बाप रे ये राजा कुछ करके छोड़ेगा है। मतलब अभी राजा ने एकदम ऑर्डर दिया, तलवार लाओ और ये बच्चों को दो टुकड़ा करो, एक एक टुकड़ा एक एक दे दो है। देखा, इतना सुनते ही उधर सदस्य में क्या हो गया होगा? आप सोच लो ना, आप अगर वो सदस्य में आप ही रहता, आपको क्या लगेगा? बाप रे, नया राजा बड़ा मानो मुसीबत डालेगा भाई है। देखा इतना डेंजर बात है, लेकिन हम देखते हैं प्रियो बात ऐसे नहीं था। प्रभु का ज्ञान, देखा प्रभु का ज्ञान पाया हुआ सलमोन ये बात कहा तो उसको सच्चाई बाहर लाना चाहिए था, वो बहुत आत्मा में था, है ना। तब क्या हुआ अगला सुन, जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया। देखा उस अच्छे में इसका है, वो बच्चे का माँ बोला, नहीं राजा प्लीज बच्चे को मत मारो, उसको ही दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा भाड़ा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कम से कम वो तो जीवित रहेगा, उसके पास भी पालन पोषण होगा तो मैं कम से कम देख सकता हूँ उसको, इसलिए उसको दे दो, उसका दिल तड़पने लगेगा। दूसरा क्या बोल रहे, मारो हद
था मुझे को आ रहा उसको क्यों, क्योंकि उसका नहीं है। देखा यही है समझ, देखो देखा ये बात से अभी राजा ने क्या बोला आगे बढ़ो। देखा कितना बड़ी बात है, परमेश्वर का उसको ज्ञान मिल गया, परमेश्वर का ज्ञान मिला। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में हमको आज भी प्रभु में आने के बाद हमें अच्छाई बुराई चुन करके समझने का बुद्धि मिला क्या, मिला है क्या, अभी मिला है कि नहीं, ये सवाल का जवाब में मैं कुछ वचन आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना भी, क्योंकि ये जो ज्ञान मतलब आज हम लोग अभी भी बहुत लोग मतलब अपना समय प्रभु के साथ क्यों नहीं बिताता, अभी तक उनको वो स्वर्ग से वो ज्ञान नहीं मिला, प्रभु का ज्ञान नहीं मिला। ये दुनिया का नाशमान बातों के पीछे लोग अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं प्रियो, अभी स्वर्ग तारीफ करने वाला ज्ञान, स्वर्ग के सामने मूल्यवान बात चुनौती, यही तो अच्छा बुरा वो बात को पहचानने वाला ज्ञान में पुनदी पाना। अनेक पवित्र लोग रोज अपनी चुनौती में आप लोग सही चुनौती करने के लिए प्रभु की आत्मा के सहायता पाना। अभी कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल के वचन के अनुसार, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 24 वचन, देखो उत्तम बात चुनना प्रिय, बुरे बात नहीं चुनना, उत्तम बात चुनना। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो देखो अभी वो 26 तक पढ़ने के समय में आपको विशाल से मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चुनौती वो बात है क्या है, भलाई है ना, राजमहल में राजा होकर के राज करना भलाई है या प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहना भलाई है, कौन सा भलाई है? और हम क्या चुनेंगे? हमारे जीवन में तकलीफ की बात आएगा तो हम तकलीफ चुनेंगे क्या? ऐसे चुनने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम मिलेगा, ऐसा लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बावजूद भी आज भी लोग जाकर के सुसमाचार का गवाही क्यों नहीं देता? क्योंकि तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं। आत्मा कैसे जीतेगा, मंडली कैसे बढ़ेगा, नया आत्मा कैसे आएगा? बात कितने लोग समझ में आ रहा है? आज भी हम वास्तव में समझदार है क्या? प्रभु की दृष्टि में हम जो चुनौती करने में विजयी हो रहे हैं क्या? हमारे आगे आगे हमेशा चुनौती आता है, हर रोज चुनौती है। आज भी कितने लोगों का अवसर है, थोड़ा उलसा ही मन ने तो मार गए बोलता ना, तो कई लोग इधर पूरा भर करके लोग आ सकता था और बहुत लोगों को लेकर के भी आ सकता था, लेकिन किसी को मन नहीं, क्योंकि वो उस बात का अभी तक प्रकाश नहीं मिला, आनंदता का प्रकाश, प्रभु की ओर से सम्मान पाने का प्रकाश, ये सब पाएगा तो प्रियो ये दुनियादारी की बातों को कचरा जान करके आगे बढ़ेगा। वो बात हम लोग ये अमर आगे भी देख सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी मोशा के जीवन में एकदम गोल्डन चांस, अगला फरवो बनकर के है ना, मिस्रियों के चरित्र में एक विशेष राजा बनकर के राज करके दुनिया में मिट जाने वाला अनुभव था, लेकिन स्वर्ग के सामने उसका कोई भी मूल्य नहीं था, इसलिए उसने सही चुनौती किया, क्योंकि अनंतता को देख करके चुनौती किया। वो बात आगे लिखा है ना, अनंतता की बातों पर ज्यादा महत्व देकर के चुनौती करना, ये दुनिया की लाभ से बढ़ करके प्रभु की ओर से पाने वाला उस प्रतिबल के ऊपर उसकी नजर था, बहुत बड़ी बात है। ओके, दूसरा एक वचन, जब योशुआ का किताब उसका 24 अध्याय का 15 वचन ये लिए लिया है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, आज चुन लो,
अब यहाँ पर मतलब योशुआ मतलब लोगों को वायदा के देश में लाया और उन लोगों को योशुआ एक चुनौती दे रहा है, तुम क्या चाहता है, तुम सचमुच में यहोवा की भक्ति करना चाहते हो क्या है? वो उनको एक मतलब चुनौती देकर के योशुआ क्या कहता है आगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत। देखा, अपना निर्णय क्लियर योशुआ ने यहाँ पर सुनाया, मैं यहोवा ही की सेवा नित करता। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना, जब योशुआ से पहले मूसा अगुवाई करके लेकर आता था, जब 40 दिन के लिए जब उस पहाड़ पर गया, उस समय में इन लोगों ने एक महीने के बाद बोला मूसे को क्या हो गया मालूम नहीं, हमारे आगे आगे चलने के लिए हमको एक ईश्वर बना कर दे दो। ईश्वर बना सकता है क्या? देखो ना, इसराइल के लोग ऐसे बोलता है क्या बताओ, तुरंत ही वो फिसल गया और हारून भी उनकी बात सुन करके डर करके उनकी इच्छा के अनुसार एक बचरा बना करके बोला यही है तुमको मिस्रियों से लेकर आया, देखो है? अगर सही अगुवा नहीं होगा तो क्या होगा प्रियो, लोगों से डरेगा, प्रभु का डर नष्ट कर दिया, इतना भयंकर बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज चुनौती है प्रियो, हर रोज चुनौती है, हमें थोड़ा तकलीफ सह करके भी प्रभु की संगति में जाओ या ना जाओ, कितनी बात कितनी आशीर्दायक अवसरों को जो अनंतता में मिलना खो दिया होगा, थोड़ा सा परख कर देखो, बाद में चांस नहीं मिलेगा अपनी, बाद में चांस नहीं मिलेगा। एक तीसरा, अभी तीसरा एक व्यक्ति मतलब ज्यादा एक एक व्यक्ति के ऊपर बोलने के लिए जाएगा तो टाइम लगेगा। रुत का किताब पहला अध्याय का 16 वचन, रुत उसका पहला अध्याय का 16 वचन, मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखा रूत का चुनौती, देखिए ओरपा के समान रूत भी अपने गांव में अपने घर में लौट सकता था, वो दोबारा वहां पर शादी करके अपना ही गाँव में रह सकता था, लेकिन रूत ने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु के प्रति कुछ भी भविष्य को ना देखते हुए प्रभु को सम्मान किया। इसलिए आपको मालूम है रूत 2:12 में एक अनोखा शब्द पढ़ने के लिए मिलता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे। देखा यहोवा तेरा कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंख तले तू शरण लेने आई है। देखा प्रियो, जिसकी पंखों तले तू शरण लेने के लिए आया है, उसे पूरा बदला दे। देखा कितना अनोखी बात है, क्योंकि उसने नवोमी के द्वारा जाना सच्चा जिंदा परमेश्वर है, इसराइल का परमेश्वर, ये बात को जाना तो उन्होंने बोला बाप रे ऐसा है तो मेरे जिंदगी में मैं उस यहोवा परमेश्वर का भक्ति करेगा, उस समय में लिया हुआ निर्णय। लेकिन क्या बोलू, मतलब उनका पति मर गया, अभी एक मतलब माँ भी विधवा है, अभी उधर जाएगा तो क्या होगा कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन रूत बोलता है नहीं मुझे वो प्रभु चाहिए, मुझे वो प्रभु का ज्ञान मिला, वो प्रकाश मिला, मैं अभी वो प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार है, उसके शरण लिया, प्रभु के मतलब प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु के लिए जीने का निर्णय लिया। देखा कितना अनोखा बात है, और हम सबको मालूम है कैसा रूत पौस का पत्नी बना या दाविद का ग्रानमा बना, ये सब हम जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। मारे पीढ़ियों के लिस्ट में रूत का नाम आया, नए नियम की लिस्ट में मतलब 5 औरतों का नाम आया, उसमें एक रूत है, कितना बड़ी बात है, ये सब बहुत मूल्यवान बात है ना। रूत का निर्णय, रूत का चुनौती, उनको कितना अच्छा भविष्य प्रभु लाया, प्रभु ने कैसा उनके जीवन को सम्मान किया है ना। और एक बात आपको मालूम है, जब दाविद अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, क्या निर्णय मालूम है, 119 का 30 वचन पढ़ा, 119 वचन संहिता उसका 30 वचन, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। आ, आ, क्या मार्ग, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। देखा मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया, एक प्रकार बोलेगा तो मैंने विश्वस्तता का मार्ग चुन लिया, दोनों अभी थोड़ा भाषा में थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब विश्वस्तता का मार्ग, मतलब मैं प्रभु में विश्वास योग्य रह करके सेवा करूंगा,
कितना अनोखी बात है। प्रियो प्रभु में आने के बाद में हमें हर बात में विश्वास योगी रहना है। प्रभु हमें दिया हुआ उन हरेक बातों में विश्वास योगी रह करके सेवा करना, क्योंकि उस दिन न्याय के सिंहासन के सामने प्रभु क्या बोलेगा, भले और विश्वास योग्य दास। वो प्रयोग है मत्ती 25:21, आपको सबको मालूम है, सारे वचन निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो उस बात में दाविद निर्णय लेकर के जीवन बिताया, वो विश्वास योगी, इसलिए प्रभु ने बोला मेरे दिल के जैसा दाविद। जो व्यक्ति विश्वास योगी रहेगा जरूर है ना, वही बात मैंने दानियल के जीवन में भी था। दानियल प्रभु में विश्वास योग्य दास था करके दानियल 6:4 में लिखा है, इसलिए प्रभु बोला अधिप्रिय दास। क्या नाम है प्रियो, मेरा अधिप्रिय दास, क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा और वो एकदम प्रार्थना में भी विश्वास योग्य रहा, प्रभु के साथ एकदम पवित्र जीवन में वो विश्वास योग्य रहा, तो इसलिए प्रभु बोलता है मेरा अधिप्रिय दास दानियल। यहां पर मारा दाविद को बोलता है मेरे दिल का जैसा दाविद, कितना बड़ी बात है ना, मैं विश्वास योग्य होकर के जीवन बिताऊंगा, एक निर्णय हो, मैं किसी प्रकार भी मैं ऐसे और बातों में नहीं जाऊंगा, प्रभु को महिमा करके प्रभु में मैं विश्वास योग्य जीवन बिताऊंगा, एक अच्छा निर्णय है। फिर एक दो बात और बोल करके जल्दी कदम करेगा, मरियम ने निर्णय लिया, आपको सबको मालूम है लूका 10:42। देखिए प्रभु ने यहाँ पर आवश्यक है उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। देखा, छीना नहीं जाएगा, मतलब उत्तम भाग को चुन लिया करके मरियम की चुनौती में प्रभु ने गवाही दिया, समझ में आया है ना। मतलब मरियम ये नहीं सोचा अरे अभी मुझको मतलब मेरे घर में प्रभु आया तो उनको खाना बनाने में मेरा बहन का मदद कर लेता हूँ, वो दुनिया का सोचे। हम लोग कई बार अच्छा सोचता है लेकिन दुनिया का हो गया तो प्रभु उसमें हमें कभी शाबाशी नहीं देगा। आप देखा, क्योंकि प्रभु का मतलब दुनिया के कोई खाना पीना नहीं, अनंतता की बात है। इसलिए प्रभु के उपस्थिति में प्रभु को सम्मान करके प्रभु के वजन को सम्मान किया, उस चुनौती को प्रभु बोलता है मरियम ने अच्छा अंश को चुन लिया। प्रियो हमारा चुनौती को देख करके प्रभु क्या बोलेंगे, हमने अच्छा भाग चुन लिया करके प्रभु बोलेंगे क्या, पहचानना इस बात को हमें परखना है मैं क्या चुनना चाहिए है ना। अभी एक महान आपको सबको याद है पौलुस का चुनौती, देखो ये बहुत श्रेष्ठ बात है ना, उसका फिलिपियों 3:11 उसका 7:11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें बुरा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखिए अभी 11 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना में काफी हो गया। आप देखिए एक बड़ा चुनौती है ना, मतलब दुनिया में मिलने वाला स्थान मान आदर सुख ये सारे बातों को मसीह के खातिर कूड़ा कचरा जाना, ये सब उस आनंददा के सामने बिल्कुल कुछ काम का नहीं। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमें मिला हुआ ये जिंदगी एक ही मौका है प्रियो, ये मौका में हमें रोज 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 हमारे जीवन के सामने चुनौती आता है ना। मैं एक दो बात जल्दी बता करके खत्म करूंगा, 16 समय आगे हो गया, अनुवाद उसका 30:13 उसका 15:00। देखिए कई लोग ये बात को नहीं समझता, अपने को क्या चुनना चाहिए, पर तो कई बार लोग जीवन से बढ़ करके मृत्यु को चुन करके मृत्यु की राह पर बढ़ करके वो उसमें खुशी पा करके धोखा खा रहा है। प्रियो यहाँ पर क्या बोलता है, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाता हूँ। दिखाया, देखा, मतलब जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा, ये प्रभु दिखाता है। हमें क्या करना चाहिए, उसी अध्याय का 19:20 वचन पढ़ो, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तो जीवन ही को अपना ले। देखो प्रभु अगुवाई भी करता है, तुम जीवन ही को ही अपना ले, लेकिन लोग जीवन से बढ़कर
लोग अपनी मनमानी में मृत्यु को अपनाता है, मृत्यु को अपनाता है। प्रयोग क्यों? क्योंकि अभी तक प्रभु में आया लेकिन एक आत्मिक जन नहीं बना, शारीरिक है, इसलिए उनको शारीरिक बातों पर ज्यादा गौर है। हमने पीछे दिन में भी पढ़ा था जब पहला कुरिंदी उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन, पहला कुरिंदी 2:15, जांचता है। देखो आत्मिक जन का खूबी क्या है, सब कुछ जांच करके जो उत्तम बात है, जो प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान बात है, उसको चुनता है, उसको चुनता है। उसके लिए एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे, पर सुनो 5 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। देखा, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, अच्छी है उसके पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में, हमारे जीवन में हर एक पवित्र लोग ये विषय के लिए प्रार्थना करना। प्रियो, कई लोग आज चुनौती में वो हर रहा है, वो क्या चुनना चाहिए उनको मालूम नहीं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उनको समझ दे, प्रभु जैसे शलोमोन ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं तो एकदम जवान है, बालक है, मुझको समझ दे अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं सही प्रकार न्याय कर पाऊ। बहुत बड़ी बात है प्रियों, आज हमारे जीवन में उस अनंतता की बातों पर हम लोग ध्यान देते हुए जीवन बिताना, ये दुनिया की नाशमान बातों के पीछे हमारा मन बहकने नहीं देना। प्रियो, शैतान कई प्रकार का मानव मानव बातों को लेकर के हमें उसमें फंसाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमारा काम है हमें आत्मा में प्रभु मुझे यहाँ पर क्या चुनना चाहिए। जैसे चुन करके दिखाया प्रियो, हमें भी ऐसे ही है, आनंददात की बातों के ऊपर ध्यान देना, गौर देना प्रियो। ये बात आज का पीढ़ी के लोगों के प्रति मन लोगों के सामने ये बात का बहुत कुछ गौर नहीं, क्योंकि लोग इतना भाग चुका है। लेकिन नासिक मंडली की बहुत लोगों मैं आपको चेतावनी देता हूँ, हर एक दिन अपने जीवन में परखो, मैं किस बात को परखता है, प्रभु को मेरे जीवन में प्रथम स्थान देता है क्या, प्रभु की इच्छा मेरा इच्छा मैंने बनाया है क्या, ये बात को जानना बहुत सुंदर बात है। इसलिए हर एक लोग है ना, भला भले बुरे को पहचानो, और हमें किस बात को अपनाना चाहिए वो बात को प्रभु का दृष्टि में उसका मूल्य जान करके उसको चुनो, और उसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़े तो भी उसके लिए हम तैयार रहे। ऐसा है तो हमारा आत्मीय जीवन में कभी भी कमजोरी नहीं आएगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।